तो दोस्तों फाइनली हमारी मुर्गी ने जो है हैचिंग से अंडों को फोड़ना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं आप, तकरीबन सारे अंडे जो है ये फूट रहे हैं। इंशाल्लाह इनके अंदर शाम तक इनके अंदर बच्चे निकल आएंगे। अभी 2 दिन हो गए मुर्गी को हमने खोला नहीं था, तो इसलिए मुर्गी अभी दाना दाने चुगने के लिए बाहर निकली हुई है। तो उसको हम जल्दी से दाने खिला के बंद करेंगे वापसी, ताकि जल्दी बच्चे निकल सकें। तो गाइस मुर्गी दाने चुगने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो गाइस ये हैचिंग से निकल के बाहर आई है, इसको हमने दाने डाले हैं यहाँ पे, कुछ दूसरी तरफ डाले थे वहाँ पे खा के आई है, पानी वगैरह सब कुछ पी के आई है। अभी इंशाल्लाह ये दाने खा के वापसी डरबे में जाएगी और अपने बच्चों को हैच करेगी। देखें गाइस ये भी खाने में मसरूफ़ है, जल्दी जल्दी खा रही है ताकि जल्दी से अंडों पर जाए। इंशाल्लाह शाम तो सारे बच्चे निकल आएंगे। गैस के बिल्कुल बैक साइड पे दड़बा मौजूद है, वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको वो दड़बा है। गैस थोड़ा बाहर आइए आउटिंग के लिए, ये देखें थोड़ी थोड़ी आउटिंग कर रही है यहाँ पे, अच्छी तरह से अब खाना वगैरह खा के उसके बाद अंदर जाएगी। इसको अंदर आइडिया नहीं है मेरे ख्याल से कि आज मेरे बच्चे हैच हो रहे हैं, वरना इतनी देर नहीं, ये खुद ही नहीं लगाती बाहर, खुद ही जल्दी चली जाती। पहली बात तो निकलती नहीं डड़बे से, अगर निकलती भी तो जल्दी वापसी चली जाती। ये देखें अभी ये जो थोड़ा खेलने में मसरूफ़ है, हम इसको कोशिश करके इसको जल्दी डड़बे के अंदर पहुँचाएँगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ज़्यादा बाहर रहना इसका बच्चों के लिए भी सही नहीं है और इसके लिए तो खैर सही नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा सही नहीं है। अंडों से बच्चों को बाहर निकलेंगे तो उनके लिए माँ की जो हीट है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पानी वगैरह पी पी के अब इंशाल्लाह अच्छी सी दड़बे में जाएगी। ये देखें ये सीधी जब यहाँ दौड़ लगाई सीधी घर पे जाएगी, घर से मैं इनको इसको घेर के, मेरे साथ जक्की पार्टनर मेरे साथ है, वो इसको मेरे साथ दड़बे के अंदर कराएगा। गाइस तो फाइनली ये दड़बे के अंदर जा चुकी है, देख सकते हैं अब अभी तक पेंडिंग के अंदर है, जा रही है अंदर, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। गाइस अब हमें टेंशन नहीं है, अभी अब इसको हम बंद कर देंगे दड़बे को, शाम को खोलेंगे और फिर इंशाल्लाह कल इसकी हम वीडियो बनाएंगे, दूसरा पार्ट जो है वो हम कल बनाएंगे। अभी हम इसको यहाँ यहीं से लीव लेंगे आज, तो इंशाल्लाह फिर कल हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। ये मेरा जकी पार्टनर, ये मेरे साथ साथ होता है, मेरे को छोड़ता नहीं है अकेला ये। अब मुर्गी को आवाज़ आ गई है बच्चों की, लेकिन अब इनको ये मतलब नहीं छोड़ेगी तन्हा। अब मुर्गी भी देख सकते हैं आप कितनी आवाज़ कर रही है, इसको बच्चों की आवाज़ आई तभी आवाज़ कर रही है। अभी हम इसको बंद कर देंगे ईंटों के साथ, इंशाल्लाह फिर हम ये कर दिया हमने इसको बंद, तो अब हम मिलते हैं कल। फाइनली ये बच्चे हमारी मुर्गी ने निकाल लिए हैं, ये देखें एक बच्चा है, सुबह में छोड़ गया था, अभी इसने एक बच्चा निकाल लिया, काफ़ी सारे बच्चे निकाले हैं लेकिन ये थोड़ा अनकरीब ही निकला हुआ है। ये देखें काफ़ी सारे बच्चे, हम सुबह इंशाल्लाह पूरी वीडियो अपलोड करेंगे। अब हटाते हैं इसको, जिस तरह हमने बंद किया था पहले मिट्टी से उसी तरह हम इसको हटाएँगे भी। पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ओह ये हटाया, इस मिट्टी को हटाएँगे। पीछे पीछे हटा दिया अभी इसको भी, और ये चेक करें बच्चे मुर्गी के, ये अंडे कुछ पड़े हुए हैं देखें, जो इन्होंने एज के बच्चे निकाले थे, इन अंडों में से निकले बच्चे, ये तकरीबन कल आज सुबह निकले हैं और अब तक ये सारे एक्टिव हो गए। थोड़ी थोड़ी मुर्गी को ऊपर करेंगे ताकि सही से नजर आ सके आप चूहे। ओहो नुकसान हो गया यार,
एक बच्चे की देखो देख, ये अंडे से निकलते ही इसकी माँ ने इसके ऊपर पाँव रख लिया और पाँव हटाना भूल गई। ये सच बिग लॉस हो गया हमारा यार। गई जी एक अंडा बचा है, इसको हम ऑपरेशन करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। पहले तो हम इनको हमने कुछ भी नहीं डाला, तो पहले इनको हम खाना वगैरह डालेंगे, उसके बाद हम इस अंडे का ऑपरेशन करेंगे। और ये देखें एक बहुत बड़ा हमें नुकसान हो गया है, ये है चूहे से जो अंडे ये पड़े हैं सारे, ये घोंसला है और ये बच्चे सारे बैठे हैं। कितने हैं, 3, 3, 6, 9, 10 हैं। एक अंडा ये पड़ा हुआ और एक बच्चा डेड हो गया है, और ये इनकी माँ है। अभी हम इनको लेकर चलेंगे बड़े पोर्शन की तरफ। और तो गाइस अभी इसको हम मैं यहाँ से उठाऊँगा मुर्गी को, दूसरे पोर्शन में इसको मैं सेटल करूँगा। तो अभी कोई चीज़ लेकर आता हूँ जिसके अंदर बच्चों को और मुर्गी को साथ उठा के ले जाऊँ। तो गाइस हम इसके अंदर इनको बिठाएंगे और उस दूसरे बड़े पोर्शन की तरफ लेके जाएंगे। इसे पकड़ना, इसके अंदर इसको हम सेटल करेंगे। फर्स्ट में तो मार लेते हैं, अब इनको हम खाना वगैरह देंगे। बहुत झुके हैं, सुबह से कुछ नहीं डाला, ये बाजरी है इसमें इसको डालेंगे। सात बच्चे मतलब तो हम हमारे आज भाई ने बोला है वो बाजरा नहीं तो नुकसान दे इनका, तो हम इनके लिए गंदम डालेंगे। इनको यहाँ पे गंदम का दलिया भी पीसना पड़ेगा इनके लिए, तो देखते हैं भाई ये खाते हैं तो ठीक है, वरना फिर दलिया पीसते हैं इनके लिए। इस तरह भाई इस तरह देखो, हम नाइट का जो सेटल है वो भी यहीं पर करेंगे, क्योंकि इसको तकरीबन हम 15-20 दिन दर्जे के अंदर रखेंगे, उसके बाद इनको बाहर खोल लेंगे। ये मुर्गी को हमने दाने वगैरह डाल दिए और अब देखते हैं अंडे का ऑपरेशन करते हैं। भाई ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर बच्चा मर चुका है, क्योंकि इसके अंदर अगर जिंदा होता आवाज़ या हरकत होनी चाहिए थी। ख़राब है, हाँ ये भी हो सकता था, ख़राब भी हो सकता है, तो ये ख़राब है, बाकायदगी से ख़राब है। अंडे देखें किस काम का नहीं है, तो इसको हम बाहर फेंकेंगे। अभी ये एक्सपायर हो गया, ये वाला ये एक्सपायर हो गया यार, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। गाइस यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।